तो भाई अभी एक कार देने वाले हैं भाई, इनको की दे रहे हैं विकास भैया, और हमारी वीडियो देख के आए भाई, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाय गाइस, कैलाम सबके। तो भाई आज हम आए थे और इनके अंदर होंडा की जो ये डीलरशिप रहने वाली है भाई यहाँ पे, और एक अपने जो ये भाई हैं ये लेने वाले हैं होंडा की सेंट्रो का टॉप मॉडल। तो जानते हैं इनसे कि इन्होंने ये कार क्यों प्रेफर की यार, हम तो भाई सेंट्रो लेते हैं और कार का टॉप मॉडल ही क्यों इन्होंने देखा, और इससे पहले कौन सी कार ये चलाते थे, और फिलहाल इनका एक अनुभव क्या रहा जो ये शोरूम इसको लेके और जो ये कार है इसको लेके। तो हेलो भैया। हेलो सर, क्या हाल है भैया? बढ़िया सर। तो अपना नाम क्या है? कहाँ से? वरुण नाम है सर मेरा। वैसे मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, सोनीपत रहता हूँ। तो वहाँ से यहाँ पे कार लेने आए? हाँ, स्पेशली कार लेने आए। तो इशारों की रहते है क्या? सिंपल नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पे विकास जी से बात हुई थी मेरी। अच्छा। तो काफ़ी दिन में वो ऑफर भी अच्छे दे रहे थे मुझे, और दूसरी चीज़ उनका व्यवहार भी अच्छा है काफ़ी फॉरन हुंडई में। ऐसे तो हुंडई तो सर सोनीपत में भी है, पानीपत में भी है, रोहतक में भी है, पर डिपेंड करता है कि आदमी को कहाँ जाना है, किस बंदे के पास जाना है। तो विकास जी काफ़ी अच्छे नेचर के भी है, बाकी उनके पास ऑफर भी अच्छा था मिले, और उन्होंने मेरा सारा कुछ अपने आप ही करा दिया सब कुछ। मतलब उन्होंने बोला कि रिकमेंड किया उन्होंने कि वो टॉप मॉडल हो, मैंने कहा चलो टॉप मॉडल। आपको ये मेरे को सर ये इन्होंने 626 की दी थी। अच्छा। तो अभी तो इन्होंने कुछ और पैसे छोड़े हैं मेरे लिए, मतलब इन्होंने 6 लाख में मुझे सब कुछ करके दे दिया। अच्छा। हाँ जी। तो आपके हिसाब से 6 लाख रुपए इस कार पे लगाना वर्थ है? बिल्कुल है सर, वो डिपेंड करता है सर अपनी चॉइस पे। ऐसे है कि देखो हर बंदे की अलग अलग चॉइस है, लेने वाले क्रेटा भी ले रहा है, ठीक है। तो जिस आदमी की जितनी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से बंदा गाड़ी लेता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब ये चॉइस है। और इसमें सब कुछ है, 1.1 लीटर का इंजन है प्लस 4 सिलेंडर है, तो पावर में भी कहीं कम नहीं है ये। और बाकी टॉप मॉडल में ही क्यों ली मैंने, वो जो आप पूछ रहे थे, टॉप मॉडल इसलिए ली कि मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई भी स्टीरियो लगाए, जो क्योंकि कंपनी फिटेड होता है वो अलग चीज़ होती है, तो जेन्युइन चीज़ जेन्युइन होती है, तो इसलिए मैंने टॉप मॉडल ली। तो बाहर से जेन्युइन नहीं मिलता आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मिलता तो भाई मिलने के लिए सब कुछ जेन्युइन मिलता है बाहर से, ऐसे किसने बोला कि जेन्युइन नहीं मिलता, मिलता है सब कुछ मिलता है। पर देखो एक कंपनी जो अपना सूटेबल करके आती है, मतलब जो कंपनी फिटेड कोई भी चीज़ ले लो आप, तो वो उसकी सूटेबिलिटी थोड़ा अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये प्रेफर किया है कि टॉप मॉडल लूँगा जी। तो आपने सेंट्रो क्यों प्रेफर की भाई? मैं तो सेंट्रो ही लूँगा, और ब्रांड क्यों नहीं आपने देखी? मेरे सेंट्रो सर मेरे बजट में आ रही है, मेन चीज़ ये है कि जो अभी मेरे को फिलहाल बजट कार चाहिए, थोड़ा एवरेज भी ठीक है अकॉर्डिंग टू और कार के, तो इसलिए सेंट्रो प्रेफर की। 6 लाख में कोई और देखी थी आपने कार? हाँ, ऐसे तो 6 लाख से ऊपर की, अभी जैसे सिलेरियो नई गाड़ी आई है उसकी तो रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। अच्छा। तो पर उसमें ये है कि सर उसमें इससे क्या कंपैरिजन करना उसका ना, क्योंकि इसमें ये हुंडई की अलग चीज़ होती है, ये इंटीरियर अच्छा होता है इनका और बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी रिसर्च करके ले ली सर। तो ये जब आप ये कार लेने गए तो उससे पहले कि आपने चला के देखी थी ये कार? क्योंकि कोई बंदा ना कोई चीज़ लेता है उसको ना चला के देखते कि यार मैं चला के दे देखता हूँ ना। सेंट्रो चला रखी है। अच्छा। सेंट्रो वाली क्या? पुराने वाली? पुरानी भी चलाई है, देखो नहीं तो मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है। अच्छा। और इससे पहले मेरे पास वैगनार थी तो वो भी बहुत अच्छी गाड़ी थी, और अभी मैंने वो दी है जिस भाई को, तो मुझे उसका भी बड़ा दुख है क्योंकि उसने बड़ा बड़ा साथ दिया। ऐसे नहीं है कि हर गाड़ी कोई भी ना, गाड़ी कोई भी ले लो आप, बड़ी ले लो छोटी ले लो, सब गाड़ी अच्छी होती है। क्या होता है उसे आप डिपेंड करता है कि कैसे रखते हो, रेक देख कैसे करते हो, उसकी टाइम पे सर्विस कराते हो कि नहीं कराते हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सर। तो इस तरह से मेरे को, और आप भी देख सकते हो गाड़ी का लुक भी देख सकते हो आप, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फीचर। हाँ, गाड़ी के अभी इन्होंने मुझे क्या क्या करके दिया सर, कि एक इन्होंने ये फ्लैप लगवा के दिए और नीचे डोर गार्ड दे दिया, ठीक है सर। अच्छा। और इसमें जैसे इन्होंने अपनी सेंट्रो की बैचिंग वगैरह के साथ ही दी है मुझे, ठीक है सर। और एक परफ्यूम भी ऑफर किया है सर इन्होंने सेंट्रो का ही। ओके। और एक डस्टबिन भी ऑफर किया है सर बच्चों के लिए कुछ।
गिरा देते तो, और बाकी स्टीरियो कंपनी फिटेड है और उसमें क्रूज कंट्रोल उसी पे है पूरा। अच्छा सिस्टम पे, ठीक है सर। आ जाओ पीछे दिखाता हूँ सर, ये बैक साइड में भी ऑफर किया है, डोर गार्ड है और ये ओरियन हुंडई जहाँ का आप अभी हम खड़े हैं हम, ठीक है ये। और इन्होंने ये तो खैर इनकी ये चारों डोर पे ऑफर किया है सर, और ये भी चारों डोर पे ऑफर किए सर इन्होंने। अच्छा सेंटर हो गए जी सर। इसमें एक चीज और अच्छी है सर कि इसका ना रियर एसी भी है सर। अच्छा हाँ, और किसी मुकाबले में नहीं आता जो इस नहीं, नहीं, कार नहीं, इस रेंज की कार में बैक एसी, जैसे कि कई बार क्या होता है जब ज्यादा टेम्परेचर गर्म हो जाता है 42-43 डिग्री पे चला जाता है ना, उस समय ये बहुत अच्छी चीज है सर। आप इस चीज को देखोगे उस टाइम के लिए ये बहुत बैक रियर एसी बहुत अच्छा होता है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट तो सर मेरी 168 सेंटीमीटर के आसपास है, तो उसका आइडिया नहीं मुझे फुट में कितनी होती है। अच्छा तो अगर आप पीछे बैठना, आवाज सीट आपके हिसाब से क्या सेट कर? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं है, इन्होंने अपने हिसाब से किया है। अच्छा। तो भाई भैया हिसाब से ना काफी अच्छा है स्पेस। ये देखो सर स्पेस देख लो कितना है अभी भी। अच्छा और मेरी हाइट भी ठीक ठाक नहीं, इतना बौना भी नहीं हो सर ना। अच्छी अच्छी हाइट है भैया। और उसके बाद भी सर अगर तीन लोग यहाँ पे बैठते हैं तो काफी कम्फर्टेबल है, सीट काफी कम्फर्टेबल है। अच्छा ठीक है, बाकी मैंने और चीज दिखा देता हूँ इन्होंने क्या क्या ऑफर किया था मुझे। अच्छा इन्होंने उसके बाद भी पैसे छोड़ने के बाद भी विकास जी ने जैसे ओ, कोई ना इन्होंने जैसे मुझे ये सीट कवर भी दिया। अच्छा ओ है? मैट दिया है? हाँ मैट दिया है, सीट कवर नहीं सॉरी मैट दिया है। और डिग्गी में दिखा देता हूँ क्या दिया सर इन्होंने। क्या बात है। तो भाई ये कार है, कार का टॉप मॉडल, ये किसे खुलेगा भाई? कार तो बढ़िया भी है ना, वैल्यू फ्रॉम भाई 6 लाख में मिल गई भैया। वैल्यू ऑफ मनी है सर ये, एक्चुअली मंथ एंड भी चल। इन्होंने सर इसका कवर भी दिया है मुझे। अच्छा हाँ, ये बाहर से लोगे आप 850 रुपये का आस पास, पर ये ब्रांड का तो नहीं मिलेगा ना, जेन्युइन है। हाँ जेन्युइन है, और एक कवर जो नंबर प्लेट आएगी ना गवर्नमेंट की बन के। अच्छा कवर भी मुझे इन्होंने ऑफर किया। अच्छा हाँ जी सर। तो आपको मिल कितने दिनों बाद गई ये कार? हाँ जी सर, कार कितने दिनों बाद मिल गई? कार तो ये मुझे 5 दिन के अंदर ही मिल गई सर। ये तो हैंड टू हैंड ये कह रहे थे कि कल ही आ जाओ, कल ही खड़ी है भैया, तो खड़ी थी ना इनके पास। अच्छा हाँ, तो ये तो ऐसे मिल गई 6 लाख में। तो भाई बढ़िया ऑफर है, देख लो भाई। हाँ मतलब जो अपने को नीड है ना भाई, आपको सारी चीज मिलेगी। अभी ये नवंबर ऑफर चल रहा है सर, ये 20 नवंबर तक का ऑफर था, बाकी तो वही बताएंगे विकास जी की कितने की है। अच्छा तो जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको ये कह सकता हूँ कि ये तो 30 नवंबर तक का ऑफर था। टिल में क्या होता है सर, 2-4 दिन ऊपर रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, बाकी ये भी उन्होंने अपनी तरफ से लगा के दिए मुझे जैसे। अच्छा ये देख लो भाई क्या बात है। तो मतलब खुश हो जो ये कार थे ना सर, उसने की तो वैसे मेरे को नीड नहीं है, लेकिन भी खरीदता है उससे भी खुश होता है सर। ये तो गाड़ी है सर, ये तो घर के मेंबर जैसा है, ये चीज़ तो आप समझते हो सर। क्या बात। हाँ तो वहाँ पे घर में जो बच्चे भी हैं छोटे, मैंने देखा था, तो वो क्या बोलते कि पापा कैसी कार है? बच्चे वो सामने एक बार कैमरा कर दो सर, उधर हैं बच्चे खड़े। हाँ बोरे तो वो क्या बोलते हैं पापा कैसी कार है? वो अभी बैठे नहीं है सर, जब बैठेंगे तो उनको लगेगा कि अच्छी कार है। निकाल ले, निकाल लो भैया, निकाल लो जल्दी दो सर हमें। सोनीपत से आए स्पेशल कार लेने आपके शोरूम पे? सोनीपत से अभी भाई से रिकमेंड है कि यहाँ से ले जाओ और विकास भाई से मिलो, और वो बिहार में भी अच्छे हैं काफ़ी। क्या हुआ देखो भाई, सोनीपत से आए लेने, तो आपको क्या उम्मीद है आपको ना कितना मतलब माइलेज आपको वो देगी कार ये? सर पेट्रोल वाली सोचनी नहीं चाहिए कि क्या उम्मीद देगी, 20 भी दे देगी तो बहुत ही नफा है। 20 दे देगी आराम से? दे देगी सर, हाईवे पर तो दे देगी आराम से। अच्छा हाँ, और लोकल में? लोकल में तो सर 14-15-16 मैक्सिमम 16 के आसपास देगी सर। अच्छा 16 के आसपास दे देगी भाई। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, बाकी देखते हैं सर, लेट्स सी की चला के देखते हैं क्या। अच्छा जी जी, ऐसी आपको कार मिलेगी मतलब वैल्यू फॉर मनी सर। आप यूट्यूबर हो, आप बताओ आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया कार है। कार जो हुंडई की, पता है मेन बात क्या है भैया, एक तो हो गई इंजन, इंजन बहुत रिफाइंड है। मैंने भी अभी हुंडई कार ली इनसे वेन्यू, 2 महीने हो गए लगभग मेरे को लिए, विकास भी ऐसी ली थी मैंने भी। अच्छा, नहीं विकास जी से तो आप खुद ही विकास जी का नाम ले रहे हो। हाँ मतलब तो नेचर वाइज एक नंबर का बंदा है भैया, मतलब नंबर का। बाकी मैं तो उनको जानता भी नहीं था, कई बार लोग पहले क्वेरी करने आते हैं उस स्पेशल किसी बंदे से मिल के जाते हैं कि हम गाड़ी ले रहे हैं, सोचते हैं
मैं तो उनसे फोन पे ही बात हुई थी जस्ट उनसे। ये बात होगी आपको फोन मतलब कैसे बात हुई मतलब उनका? मैंने जैसे ना यूट्यूब से ही देखा था कोई, मतलब जो जैसे आपकी तरह कोई चैनल पे देख रहा था तो उनका नीचे नंबर डला हुआ था। किस नाम से थी? पता नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है सर, क्या पता आप की रही होगी वीडियो। अब मैं अगर आपका चैनल था तो मैं पक्का उसे सब्सक्राइब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और उसे भेजूंगा दोस्तों। पता नहीं ये बात तो लास्ट में विकास भी आप बोल रहे थे उसमें, मतलब नाम फोन हो गए थे वो हमारी वीडियो से, मैं उन्होंने अपना नंबर डाल रखा था और लास्ट में बोले भी थे ना वो। हाँ हाँ बोले भी थे, वो हमारी वीडियो थी हमने बनाई थी मतलब पहले तो। अच्छा देखो आपकी आपने आपकी वजह से मैं आया हूँ फिर। क्या बात है, तो भाई ऐसे कुछ है तो भाई अपने मतलब सब्सक्राइबर तो नहीं, लेकिन भाई अपनी वीडियो देख के आए हैं, चलो सब्सक्राइबर भी आप बोल रहे हैं, हो जाएंगे सब्सक्राइबर बन जाएंगे सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हमने बनाई थी सेंट्रो की वीडियो। हर आदमी की पसंद अपनी होती है, चॉइस अपनी होती है, पर डिपेंड करता है। मैं देखो अगर बजट इस बजट के सेगमेंट में कोई कार लेनी है आपको तो इससे बेस्ट कार मेरे हिसाब से तो है नहीं सर। अच्छा हाँ, क्या बाकी तो अगर आप बाकी चॉइस पे डिपेंड है, कई ये लोग सोच के लेते हैं कि रीसेल वैल्यू पे डिपेंड जा सकते हैं। अच्छा तो चलो करो हाय कर दो, क्या नाम है इसका बताओ अपना नाम। अमायरा अमायरा पोखरियाल, पोखरियाल टाइटल है हमारा। अच्छा तो उसमें क्यूट है। थैंक यू बोलो, हाथ भी मिलाओ अंकल से, उन्होंने बोलना हमने नई गाड़ी ले ली। बोलो बधाई हो आपको अपनी नई कार के लिए, बहुत बढ़िया कार है आपकी, सेफ चलाना पापा बोलना कि पापा सेफ चलाएं कार को। ना ना सेफ तो चला ही रहे, दो साल से पीछे आराम से चलाते हैं सर, कोई जल्दीबाजी वाला सिस्टम नहीं है। क्या बात है, तो भाई ये थे कस्टमर जो कि आपने भी देखे सेंट्रो के, तो पता नहीं आपको कैसे लगे।